अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाय, I'm सियारा गोवंशी। ये हवेली मेरे हस्बैंड की है। कैसी लगी? सच कहूँ तो पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट के लिए, पर अब मुझे लगता है कि अपना वक्त जाया ना करते हुए मुझे इस खंडर को नो हेरिटेज साइट स्टेटस दे देना चाहिए। अरे, पर क्यों? क्या कमी है हमारी हवेली में? कमी? एक मिनट, तीन चीजों से एलर्जी है मुझे। पहला, भौ-भौ करते हुए डॉग्स, और दूसरा, ये बच्चे, तीसरा तुम्हारी माँ, जो कि तीनों ही तुम्हारी इस हवेली में है और मेरी ना का सबसे बड़ा कारण। तो इसके लिए इस हवेली में एक महीना रहना तो नामुमकिन है। तो रोका किसने? जाओ। मेरे घर में आकर मुझे ये अकड़ दिखाने वाले लोग सख्त नापसंद हैं मुझे। और तुमको तो मैं पहले से जानता हूँ ना, तुम्हारा इलाज किया था। तुम जैसी रूढ़ और अकड़ू लड़की नहीं चाहिए मुझे इस घर में। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो, अब मैं चलती हूँ। टूडल्स। एक मिनट, वंश, क्या कर रहे हो? अपने गुस्से को काबू में रखो। इस हवेली का हेरिटेज साइट बनना बहुत जरूरी है और ये बात तुम भी जानते हो। तुमने तो काम छोड़ दिया, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। देखिए, मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस पर हमारा फ्यूचर टिका है। और रही तुम्हारी पसंद और नापसंद की बात, तो वो कुत्ते को मैं अभी निकलवा देती हूँ और ये बच्चे तुमसे दूर रहेंगे। और वो पुरानी स्टीम इंजन, जब तक तुम यहाँ हो बेबे तुम्हारे सामने नहीं आएगी। मिस विधि, आप ऐसे कैसे यहाँ से जा रही हैं? अरे, एक दिन के लिए तो हमारी हवेली में ठहर के देखिए। पहले चेक तो कर लो, सच में आर्कियोलॉजिस्ट हैं भी या कोई फ्रॉड है। पंच, फ्रॉड शब्द तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि असली फ्रॉड और क्रिमिनल्स तो आप लोग हैं। और वैसे भी आपकी पत्नी के काले करतूतों के बारे में मैंने बहुत सुना है। बस! बहुत हो गया तुम्हारा। अभी तो शुरुआत हुई है। अरे, पहले शांत हो जाओ आप लोग दोनों। देखो,
तुम्हें यहाँ किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। चलो मैं तुम्हें हवेली दिखाती हूँ। थैंक यू आंटी, अगर आप नहीं होती तो वो डॉग मुझे खा जाता। फिर तुम चिल्ला चिल्ला के मेरा सिर दर्द कर देती, इसलिए तुम्हें बचाना पड़ा। और हाँ, आगे से मुझसे 3 फीट दूर ही रहना, ओके? जूजू भैया, ये मौली आंटी को क्या हो गया? पहले तो हमसे कितने अच्छे से रहती थी, हम तो कितने प्यार से बात करती थी, हमारी जान भी बचाई थी, और अब हमसे दूर रहना चाहती हैं। जो भी हो, लेकिन उन्होंने हमारी हेल्प की, और उनका नाम भी हमारी माँ का नाम है। हाँ, ये हवेली 200 साल पुरानी है। बाड़मेर के कुंवर आदिना तोमर ने इसे बनवाया था। यहाँ हमेशा से राज परिवार रहता आया है, और अब हम यहाँ रहते हैं। बहुत रिच हिस्ट्री है इस हवेली की, पर विधि के टेररिस्ट करार होने से मानो इस हवेली पर कलंक ही लग गया। सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा काम ठप हो गया, बच्चों का फ्यूचर मानो बर्बाद ही हो गया विधि की इस हरकत से। आपकी स्टोरी में ट्विस्ट तो बहुत है। खैर, आप जाइए, मुझे अकेले काम करने की आदत है। श्योर। विधि, ये माइक तुम सबसे पहले हवेली में वंश के कमरे में फिट करोगी। ये वंश वही है जिसने चीख चीख कर तुम्हारे टेररिस्ट होने पर मोहर लगाई थी। उसका असली मकसद क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे तुम ये माइक वहां फिट करोगी, यहाँ इस डिवाइस पे ग्रीन लाइट जल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि तुमने माइक अच्छी तरह से फिट कर दिया है। लगता है विधि ने अपने मिशन की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? पूछ रहा हूं तुमसे कुछ। पूछ रहा हूं मैं कुछ, क्या कर रही हो यहाँ? अपना काम कर रही हूँ। दीवार पर कौन सा मटेरियल यूज किया गया वो तो देखना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए खोद रही हूँ। और वैसे भी मुझे ना तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट में कोई भी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि तुम्हारी इस हवेली और तुम्हारे परिवार पर इतना बड़ा दाग जो लगा है। तुम जो करना है ना करो, लेकिन आज के बाद मेरे कमरे में मत आना, समझी तुम? चलो उतरो नीचे। नहीं उतरूंगी। मैंने कहा ना नीचे उतरो। उतरो, मैंने बोला ना। बचाओ, मुझे भी गिरने दो, पकड़ो।
गिर गई ना, अच्छा हुआ। ये सजा है तुम्हारी मेरे कमरे में घुसने की, आज के बाद ऐसा मत करना। वंश, ये आवाज उन बच्चों और तुम्हारी मां से बड़ी मुसीबत है। तुम्हारा पति है, इसे मेरे काम से दूर रखो। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मेरे बच्चे मुझसे इतने करीब होकर कोसों दूर है। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों क्यों आपने मुझ पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया, मुझे मेरे बच्चों से अलग किया? अब मैं आ गई हूं ना, अपने तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी। वंश, बच्चों को हॉस्टल भेजना होगा, वहाँ समर कैंप चल रहा है। वैसे भी यहाँ सर्वे शुरू होने वाला है और उनके खेलने कूदने की उम्र है, वहाँ दोनों एंजॉय करेंगे। समर कैंप के लिए बाड़मेर का सबसे बेस्ट हॉस्टल है, देख लो। ये विधि माथुर ने तो वो काम कर दिया जो माँ इतने सालों में नहीं कर पाई। अब छोटे का उन बच्चों से पीछा। निंजिम, तुम ऐसा क्या सरप्राइज दे रही हो जो मुझे अंदर भी आने नहीं दे रही हो? अरे जूजू भैया, सिर्फ दो मिनट, फिर खुद देख लेना। खराब हो गया। अरे इसमें सैड होने की क्या बात है, सरप्राइज के चक्कर में खुद ही मैंगो बन गई। ये क्या गंदगी फैला रखा है, किसने किया ये सब? कोई बोलेगा? अंकल हम लोग, मैं भैया को जूस बना के दे रही थी तो बनाते बनाते मैं ढक्कन ही भूल गई थी, तो ये सारा जूस गिर गया। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तुम्हारी माँ हमें कंगाल करके चली गई और ये अम्मा छोड़ गई है हमें। 5 साल बहुत कुछ भुगता है हमने तुम्हारी माँ की वजह से, पर कोई बात नहीं, हमने जो इतना भुगता है अब थोड़ी सजा तुम्हें भी मिलनी चाहिए, है ना? हाँ, पर काटते तुम्हारा, ना रहेगी उंगली और ना बनेगा मिल्कशेक। नहीं छोड़ो, नहीं।
छोड़ो अंकल, छोड़ो अंकल, छोड़ो, छोड़ो अंकल, छोड़ो। कर रहे थे आप? इन बच्चों को उनकी गलतियों की सजा दे रहा हूँ। देखिए कितना काम फैला दिया यहाँ पे, गंदगी फैला दी है। और तुम्हारे काम पे भी तो बांधना पड़ेगा ना यहाँ पे। दीवारें भी खराब कर दी इन लोगों ने। बच्चे बेवकूफ हैं। और वाकई आप भी इन बेवकूफ बच्चों के अंकल ही जो और गंदगी फैला रहे हैं। अरे अगर इस लड़की की उंगली अंदर आ जाती तो क्या होता, क्या न्यूज फैलती बाहर? तो फिर आपको मिल जाता इस हवेली के लिए हेरिटेज का सर्टिफिकेट। और हाँ, इन बच्चों की सजा, ये सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ। ए, तुम लोग सब साफ सफाई करोगे, ठीक है? और तुम लोगों की सजा यही है, जब तक ये साफ नहीं होता ना, तुमको खाने को नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे तुम लोग। बोल दिया मैं। चलो लग जाओ काम पे। हमें दूसरा क्लीनर लाना पड़ेगा, वो आंगन में पड़ा है। ठीक है भैया। अत्याचार से तो बच गए। हाँ चलो चलते हैं। कुछ और वक्त सब्र कर लो मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस हवेली से बहुत दूर ले जाऊंगी और एक अच्छी जिंदगी दूंगी। अब तुम्हारी माँ वापस आ गई और अब इस निशांत के अत्याचार का अंत करना होगा। निशांत भाई, एक बार हेरिटेज का सर्टिफिकेट मिल गया ना, उसके बाद बिजनेस एकदम टकाटक। हमको सिर्फ अच्छे से बिहेव करके रहना है बस, उसके बाद आपकी जिंदगी में इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि गिन्नी का मुंह घी में और मेरा सर कड़ाई में। किसने किया ये?
It's me. Catch. वाह, आप लग रहे हो ना बावर्ची नंबर वन. क्या बकवास है? अरे आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आपका लुक कंप्लीट कर दिया. आप आज से किचन में खाना बनाएंगे इसलिए. मैं नहीं करूंगा, आई बात समझ में? अब मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है. तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ. मेरा फंडा बहुत क्लियर है. हा? पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा. और जहाँ खाना ही अच्छा ना मिलता वो वहाँ कोई काम कैसे कर सकता है? तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ अब. हाँ तो चाहिए. मेरे को 200 करोड़ जाते हुए दिख रहे हैं. अरे रुके रुके. हाँ ठीक है, खाना मैं बना लूंगा. बना लेंगे, बचपन से बनाता आया हूँ. तो फिर नेक काम में देरी कैसी? आज पहला दिन है तो मेन्यू थोड़ा सिंपल ही रखते हैं. दाल तड़का, मूंगी रायता, कश्मीरी पुलाव, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी और मिर्ची का अचार. अब दे तुम्हारी बदतमीजी, अब तुम मेरे घर में आके ऑर्डर्स भी देने लगी. अरे अरे वंश भाई, ठंड पाओ, गुस्सा नहीं करना. मैं कर लूंगा ना, मुझे आता है, बचपन से करते आया हूं. वैसे तुम्हारी वाइफ जुबान की बड़ी पक्की है, घर में बच्चे दिखाई नहीं दे रहे. कहीं कमरे में लॉक वॉक तो करके नहीं रखा है ना उसने? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए तो क्या किसी के लिए भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा. बच्चे यहाँ दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ है नहीं, चले गए. अरे मिस माथुर, बात ऐसी है कि सिया नहीं चाहती है कि आपके सोने में या सर सर्वे में कोई अड़चन आए, इसलिए बच्चों को लेकर हॉस्टल चली गई है.